हाँ तो भाई WWE सुपरस्टार को हॉलीडे तो दी है, लेकिन भाई सिर्फ मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि इनका हॉलीडे तो इस वक्त कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और भाई रॉ के केस में तो समझ आ रहा था कि क्रिसमस है, लेकिन भाई स्मैकडाउन भी कैंसिल कर दिया इन्होंने, जो कि क्रिसमस के 3-4 दिन बाद होना था। खैर दोस्तों अगर देखा जाए ना तो क्रिसमस के बाद से तो इन्होंने 3-4 से ज्यादा लाइव इवेंट करवा चुकी है। और भाई ऐसा वैसा नहीं बल्कि भाई फुल एरिना सोल्ड आउट। तो भाई हॉलीडे तो है लेकिन हॉलीडे टूर के लिए। खैर दोस्तों स्मैकडाउन और रॉ तो अब नेक्स्ट ईयर से अपने फॉर्म में आएगा, लेकिन दोस्तों इससे हम सबके हंटर द गेम ट्रिपल एच ने काफी बड़ा सरप्राइज दे दिया इस वक्त हम लोग को। दोस्तों दरअसल रिसेंटली ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बताया ना कि कोई फॉर्मल WWE चैंपियन डे वन रॉक एपिसोड पर अपना रिटर्न करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब भाई ये जो है ना ये करंट रोस्टर में इस वक्त मौजूद नहीं है और ये सरप्राइज है भाई हम फैंस के लिए न्यू ईयर का। और उसी के बाद से तो भाई सोशल मीडिया पे काफी लोग तरह तरह की प्रिडिक्शन भी करना शुरू कर दिए हैं कि वो कौन होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है ना वो साशा बैंक्स का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रिपल एच ने कोई मेल या फीमेल सुपरस्टार की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ इन्होंने फॉर्मर WWE चैंपियन बोला। और भाई साशा बैंक्स फॉर्मर WWE चैंपियन भी रह चुकी हैं और काफी दिनों से दोस्तों इनके रिटर्न के रूमर्स भी बार बार आ रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि खुद साशा बैंक्स ने रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वाली फोटो को भी पोस्ट किया है जिसके बैकग्राउंड में ट्रिपल एच की फोटो देखा जा सकता है। तो शायद दोस्तों यहाँ से ये हम लोग को ये हिंट देना चाह रही है, और वैसे भी रिपोर्ट भी इनको ही लेकर आ रही है, तो शायद हो सकता है कि डे वन पर ये अपना रिटर्न कर सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों बटिस्टा का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है कि शायद इनका रिटर्न देखने को मिल जाए। और वैसे भी दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पता चला है ना कि नेक्स्ट ईयर हॉल ऑफ फेम में ट्रिपल एच इनको इंडक्ट भी करने वाले हैं, तो भाई चांसेस तो इनके भी बनते हैं। और वैसे दोस्तों कुछ लोग तो गोल्डबर्ग को भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अभी इस चीज पर कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन सा सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला है। लेकिन जो भी हो हम फैंस को तो सरप्राइज से मतलब है। खैर दोस्तों वैसे आपका क्या ओपिनियन है, कौन वो सुपरस्टार होगा जो डे वन पर अपना रिटर्न करने वाला है, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं रॉयल नंबर के विनर के बारे में। तो दोस्तों जब से CM Punk और कोडी रोड ने ये अनाउंस किया है ना कि ये लोग रॉयल नंबर में एंट्री करने वाले हैं, तब से भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही सामने आ रहा है कि आखिर रॉयल नंबर को जीतेगा कौन, क्योंकि भाई दोनों ही सुपरस्टार इस वक्त कंपनी के टॉप बेबी फेस और फैन फेवरेट हैं, तो ऐसे भाई ये क्वेश्चन उठना तो बनता ही है। लेकिन दोस्तों इसी पर अपने रेसलिंग के लीजेंड विंस रूसो का ये कहना है कि शायद हमको नेक्स्ट मंथ रॉयल नंबर में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों इनका कहना है ना कि शायद WWE CM Punk और कोडी रोड दोनों को एक साथ एलिमिनेट करवा दें, मतलब को विनर बनाने के चक्कर में। और ये चीज दोस्तों पहली बार नहीं होगा, बल्कि इससे पहले भी WWE ये चीज कर चुकी है 1994 में लेक्स लुगर और ब्रेट हार्ट, और 2005 में बटिस्टा और जॉन सीना, दोनों ही लोग कंट्रोवर्शियल तरीके से एक साथ ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इनके बीच मैच होता है, फिर जो उस मैच को जीतता है ना वही मेन इवेंट करता है रेसलमेनिया को। तो भाई इसी पर विंस रूसो का मानना है कि शायद WWE इस डायरेक्शन के साथ दोबारा जा सकती है और हिस्ट्री को रिपीट करवा सकती है। और वैसे दोस्तों ऐसा कुछ होता है या नहीं ये तो रॉयल नंबर में ही पता चलेगा, लेकिन भाई इस वक्त बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो CM Punk टॉप पर बने हुए हैं कि वही जीतने वाले हैं रॉयल नंबर को, और फिर इनके बाद नंबर आता है कोडी रोड, गुंथर और LA Knight का। तो भाई नेक्स्ट मंथ का रॉयल नंबर देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, खासतौर से इस मामले में कि कौन इसको जीतने वाला है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कौन जीतेगा नेक्स्ट मंथ रॉयल नंबर को, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।